दोस्तों आप बहुत सारे वेबसाइट देखते हो, लाइक आप फेसबुक देखते हो, गूगल देखते हो, इंस्टाग्राम देखते हो, एक्सेट्रा कोई भी वेबसाइट देखते हो, वहां आपको फ्रंट पे कुछ डिजाइन दिखता है। सो दोस्तों आपके मन में क्वेश्चन होगा कि ये पेजेस बनाया कैसे जाता है, ये कैसे काम करता है। जी हाँ दोस्तों, ये सारे पेजेस होते हैं और विद इन हेल्प ऑफ ये एचटीएमएल डिजाइन किया जाता है। सो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एचटीएमएल के बारे में, कि एचटीएमएल क्या होता है, एचटीएमएल किस तरह से फंक्शन करता है, और उसका एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी देखेंगे कि किस तरह से एचटीएमएल काम करता है। सो दोस्तों वेलकम टू टोटल आईटी ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल, चलिए शुरू करते हैं। अगर अपने टोटल आईटी ट्रेनिंग का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने के लिए लाल रंग का इस बटन पे क्लिक करें और इस बेल आइकॉन पर भी, इससे आपको आने वाले हर वीडियो का अपडेट मिल जाएगा। और फेसबुक पेज से कनेक्ट करने के लिए सर्च करें टोटल आईटी ट्रेनिंग और पेज को लाइक करें और या टाइप करें www.facebook.com/totalittraining। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जी हाँ दोस्तों, ये आपका किसी भी वेब पेज या किसी भी वेबसाइट का बैकबोन होता है, क्योंकि आप जो भी फ्रंट पे देखते हो विद इन हेल्प ऑफ HTML का ही देखते हो। कोई भी यूजर, कोई भी बड़ा से बड़ा वेबसाइट, चाहे आप फेसबुक का ले लो, गूगल का ले लो, या किसी भी आप वेबसाइट में बात करो, तो सारा का बैकबोन कोड HTML ही होता है, जिसपे सारा का सारा आपका डिजाइन किया जाता है और फ्रंट पेज पे काम किया जाता है। सो दोस्तों HTML का डिफरेंट डिफरेंट वर्जन है, HTML 3, 4, 5। इसमें मैं अगर एक लिटिल बिट जो डिफरेंस का बात करूं, अगर लिटिल बिट HTML 5 का, तो HTML 5 दोस्तों बहुत ही कंफर्टेबल होता है गूगल के साथ आपके डेटा को सिंक करने के लिए, या किसी अदर टाइप के अगर आप डायनेमिक वेबसाइट बनाते हो तो वहां पे आपको बहुत सपोर्ट मिलता है HTML 5 अगर आप यूज करते हो तो, क्योंकि तो बहुत सारा बाय डिफॉल्ट कोर्स होता है जिसके जरिए आप इजिली गूगल के साथ आपका वेबसाइट सिंक कर सकता है और डेटा एक्सचेंज कर सकता है। सो दोस्तों आज हम लोग बात करते हैं इसी के बारे में, HTML जो कोडिंग होता है उसके लिए क्या क्या आपको बेसिक कॉन्टेंट चाहिए होता है। जी हाँ दोस्तों, HTML का जो कोर्स होता है उसके लिए आपको कुछ कोर्स लिखना होता है जिसके जरिए आप कोई पेज रन करते हो। तो दोस्तों हम लोग चलते हैं लाइव डेमोन्स्ट्रेशन की तरफ। दोस्तों HTML में किसी भी तरह का कोड लिखने के लिए आपको सबसे पहले जो कोड स्टार्ट करने पड़ता है वो है आपका लेस देन एंड ग्रेटर देन, ये 2 सिंबल्स का आप यूज करके कोड पुट करना पड़ता है लाइक HTML। फर्स्ट आप कोड पुट करते हो HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसके बाद आपको नीचे आना पड़ता है और कोई भी टैग अगर आप स्टार्ट करते हो तो उस टैग को आपको क्लोज करना होता है। क्लोज करने के लिए हमेशा लेस देन सिंबल का यूज करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे मैं देख सकते हो स्क्रीन पे मैंने HTML स्टार्ट किया है, इसे क्लोज करने के लिए मैं यूज करता हूँ /HTML। मेरा जो पेज का स्टार्टिंग एंड एंडिंग कंटेंट जो है मैं वो लिख चुका हूँ। अब मैं इसे एक सेव देने के लिए मैं यूज करता हूँ अगेन ब्रैकेट देन BODY बॉडी। बॉडी जस्ट लाइक हमारा बॉडी होता है दोस्तों, उसी तरीका से HTML में भी आपका बॉडी होता है जिसके बीच में सारा कंटेंट, कॉन्फ़िगरेशन एंड एक्सेट्रा सारा कुछ लिखा जाता है। फिर मैं इसी ब्रैकेट को फिर मैं स्टार्ट करता हूँ, देन क्लोज करने के लिए लेस देन सिंबल, देन बॉडी मैं यूज करता हूँ फिर से, और इस बॉडी के ही बीच में मुझे जो भी कंटेंट सेट करना हो मैं वो करता हूँ, लाइक मैं कंटेंट पुट करता हूँ। ये आपका बेसिक कोड होता है, कोई भी HTML कोड आपको डिजाइन करना हो विदाउट इसमें से अगर एक कोड भी अगर आप मिस करते हो तो आपका HTML पेज रन नहीं करेगा। जी हाँ दोस्तों, ये आप किसी भी तरह का कोई एडिटर यूज कर सकते हो, Notepad या Notepad++ या एक्सेट्रा, और वहां आप लिख सकते हो। लिखने के बाद जैसे ही आप इसे सेव करते हो, मैं अगर सेव करूं तो सेव करते टाइम अगर आप जो भी लोकेशन पे सेव करते हो लोकेशन का सेव आएगा, और एक यहाँ पे आपको नेम देना होगा, मैं दे देता हूँ test.html, या आप अर्दर भी ले सकते हो HTML। दोनों में से कोई भी कोड आप यूज करोगे वो आपका यूज हो जाएगा। मैं ऐसे जैसे करता हूँ बाय डिफॉल्ट में जा करके इसे डॉक्यूमेंट पे HTML टेस्ट के नाम से, और यहाँ मैं इसे सेव कर देता हूँ HTML फाइल को। सेव करते साथ ही आपका सेव हो जाएगा, और इसके फिर मैं उस लोकेशन पे जाता हूँ। लोकेशन पे जाने के बाद आप देख सकते हो यहाँ एक फाइल बन चुका है टेस्ट नाम से, और ये HTML फॉर्म पे है। मैं जैसे इस पे डबल क्लिक करता हूँ ये फाइल आपका ओपन हो जाएगा, और ओपन होते साथ आप देख सकते हो यहाँ पे आपको मैंने जो कंटेंट लिखा था दिस इज माई फर्स्ट पेज, ये आपको यहाँ पे शो करेगा। मैं इसको थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाता हूँ, आप देख सकते हो। सो बहुत ही इजीली HTML के जरिए आप किसी भी तरह का कोई कोडिंग को कर सकते हो। अदर कोड की बात करूँ यूज करने के लिए तो आप यूज कर सकते हो। यहाँ दोस्तों मैं अदर टैग की बात करूँ तो मैं बात करता हूँ टाइटल की। टाइटल दोस्तों यूज किया जाता है HTML में आपका टाइटल देने के लिए आपका पेज का, लाइक आपका पेज का कोई नेम आपको देना हो, लाइक कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम देना हो, तो मैं जैसे यहाँ पे आपका टाइटल स्टार्ट करता हूँ और टाइटल को क्लोज करता हूँ, और यहाँ मैं एक मैसेज लिखता हूँ वेलकम। अब मैं अपने ब्राउजर पे जैसे इसे ब्राउज करता हूँ, देखते हो गए आप मेरे ब्राउजर पे टॉप पे ये चेंज हो गया वेलकम नाम से। उसी तरीका से मैं कुछ और नाम भी यहाँ पे चेंज करूँ तो देखोगे आपको चेंज हो जाएगा, लाइक मैं जैसे करता हूँ टेस्ट
1, 2, 3 सेव करता हूँ, अगेन में ब्राउज करता हूँ, आप देखोगे मेरे प्रिपेयर चेंज हो चुका है टेक्स्ट 1, 2, 3 नाम से। इसी तरह और कुछ भी कोड्स यूज किए जाते हैं आपके HTML पे कोडिंग्स के लिए जो हम लोग यूज करते हैं, और एक टेक्स्ट जो यूज कर सकते हैं हम लोग लाइक हेड का, हेड जैसे हमारा सिर होता है उसी तरह का से आपका यहाँ हेड होता है। किसी भी तरह का आपको एक्सटर्नल कोड एड करना होता है तो विद इन हेल्प ऑफ हेड के जरिए ही हम लोग उसे ऐड कर पाते हैं। और अगर मुझे यूज करना है किसी तरह का कलर्स का एक्सेट्रा का, तो मैं इसी पे आपका बॉडी पे लिखूंगा BGCOL कलर इज इक्वल टू डबल ब्रेसेस देन रेड फॉर एग्जांपल, एंड देन सेव करता हूँ, देखता हूँ क्या आउटपुट आता है मेरे पास, रिफ्रेश करता हूँ, आप देख सकते हो मेरा पूरा पेज का कलर रेड हो चुका है। तो दोस्तों ये जो कमांड है बीजी कलर, या तो आप बीजी कलर लिख सकते हो या आप बैकग्राउंड कलर भी लिख सकते हो। उसके बाद आप जो भी कलर का नेम लिखोगे वो आपके पेज पे पूरा का पूरा इम्प्लीमेंट हो जाएगा, वो आपके पेज पे पूरा का पूरा इम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों अलग अलग कोड्स यूज करके हम लोग HTML को डिजाइन करते हैं। तो दोस्तों आने वाले अपकमिंग वीडियो पे हम लोग और कोड्स को देखेंगे और समझेंगे। दोस्तों आपका किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिएगा, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और टोटल IT ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।